और भाई लोग क्या हालचाल, उम्मीद है सब मजे में होंगे। वैसे बहुत दिन हो गए आपके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने मेहमानों की फरमाइश को पूरा किया जाए। जी हाँ, आपकी खिदमत में फिर से पेश है हम कारीगरों और इंजीनियरों के फनी कारनामों की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको कारीगरों और इंजीनियरों के एक से बढ़कर एक बेवकूफी भरे कारनामे दिखाएंगे और साथ में तड़के के लिए कुछ मिर्च मसाला भी होगा। तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाला है, सो प्लीज आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस मस्त मसालेदार वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अगर आप भी मेरी तरह पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं, तो आपने 90 की दशक की फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती का ये गाना जरूर सुना होगा, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अगर सुना है तो आपको ये भी पता होगा कि ये गाना आनंद बख्शी जी ने लिखा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर ये गाना लिखने का आइडिया इनके दिमाग में आया कहां से था? नहीं पता है ना, ये देखिए, यही वो सात समुंदर हैं जिनको देखकर इनके दिमाग में ये गाना लिखने का आइडिया आया था, जिनको पार करके दिव्या भारती सनी देओल के पीछे पीछे गई थी। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल पेट्रोल और डीजल के भाव ये आसमान छू रहे हैं। भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आधे लोग तो पेट्रोल और डीजल की सुगंध से ही अपनी गाड़ियां भगा रहे हैं। खैर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए तो क्या हुआ, हमारे देश के इंजीनियर इतने महान जो ठहरे, अरे भैया हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अब जैसे कि आप इस सड़क पर लगे किलोमीटर के खंभों को ही देख लीजिए, भाव बढ़ गए, इसीलिए वर्कर्स ने किलोमीटर के खंभे पास पास लगा दिए। दोस्तों कभी कभी हम चीजों को इतना अच्छे से सजा देते हैं कि भैया उनको यूज करने का मन ही नहीं करता है, सोचते हैं कि अगर यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा, इस बार ऐसे ही काम चला लेते हैं। अब कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, शौचालय को इतना अच्छे से सजा दिया है कि करने वाला शौचालय में करने की बजाय पास में ही करके चला जाएगा, कि क्यों बिगाड़ो इस फूल से टॉयलेट को। दोस्तों लगभग हर घर में भैया बालकनी तो होती है, ताकि हम सुबह सुबह वहां पर खड़े होकर चाय की चुस्कियां ले सकें। अब ऐसी ही चुस्की लेने के लिए मिस्त्री साहब ने इस घर में बालकनी तो बना दी, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा नशा करके आए थे जिसके चलते वो इसका निचला हिस्सा बनाना भूल गए। ये मिस्त्री तो पक्का मकान मालिक को भगवान के साथ फेस टू फेस मीटिंग करवा के ही मानेगा। दोस्तों ये बात लगभग आप सभी को पता ही होगी कि सड़कों पर ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आबादी वाले इलाकों में लोग अपने वाहनों की स्पीड कम कर दें, जिससे कि भैया एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। अब यही चीज देखकर यहाँ पर इंजीनियरों ने गड़गड़ाहट पट्टी तो बना दी, मेरा मतलब है ब्रेकर तो बना दिए, लेकिन सड़क पर बनाने की बजाय फुटपाथ पर बना दिए। जिस भी इंजीनियर ने कारनामा किया है भैया पक्का उसको तो 15 अगस्त के दिन नारियल और एक शॉल देकर सम्मानित करना ही पड़ेगा। बात तो सही है। जब से दुनिया में ये तीसरी आंख कहां जाने वाला कैमरा आया है, तब से जैसे चोरों का तो फ्यूचर ही खराब हो गया, बेचारे अब तो खुलकर चोरी भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जरा आप इस कैमरे को देखिए, जो कि लोगों पर निगाह रखने के लिए लगाया है, लेकिन इसकी खुद की निगाह कहीं और है। यहां तो ये पोस्टर लगाना चाहिए कि आपकी नजर कैमरे पर है, लेकिन कैमरे की कहीं और। भाई कभी कभी किसी के साथ हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हम दिन रात बस उसी के बारे में सोचते हैं और उसी की बातें करते हैं। कभी कभी तो घर वाले भी कह देते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों शादी ही कर लो। अब भैया लड़के तो आपस में शादी करने से रहे, लेकिन हाँ ये काम जरूर कर सकते हैं, ऐसे घनिष्ठ मित्रों के लिए बनाया गया स्पेशल शौचालय। अगर आपके भी कोई ऐसे घनिष्ठ मित्र है तो भैया फिर जल्दी से अपने फैमिली से कहकर ऐसा शौचालय अपने घर में बनवा लीजिए। भाई ठंड में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं, ताकि हमें ठंड ना लगे, सर्दी ना हो और हमारे नाक से वो प्यारी सी रसमलाई ना टपके। भैया अब यही स्वेटर का गणित लगाकर हमारे देश के किसी होनहार कलाकार ने ये कारनामा कर दिया। अगर स्वेटर पहनने से हमारा शरीर गर्म हो सकता है, तो पंखे को स्वेटर पहनाने पर वो भी तो गर्म हवा दे सकता है। सच में जिसने भी ये कारनामा किया है उसके नाम की तो हर रोज घर घर अगरबत्ती लगनी चाहिए। भाई प्यार एक ऐसा बुखार है जो अगर किसी को हो जाए तो फिर उसको चारों तरफ बस प्यार ही प्यार नजर आता है, यहाँ तक कि वो अपने कामों में भी प्यार की झलक छोड़ ही जाते हैं। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देख लो, मिस्त्री साहब इतने बड़े आशिक थे कि पानी के पाइप तक को नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी अपने प्यार की निशानी छोड़ गए। दोस्तों आपने ये गाना जरूर सुना होगा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। अब भाई गाने के अनुसार तो पर्दा उठाने पर कोई राज खुलना चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही है, पर्दा उठाने पर राज खुलने की बजाय दीवार से सर टकरा रहा है। या तो मिस्त्री नशे नशे में खिड़की बनाना भूल गया, या फिर पर्दे लगाने वाला अंधेरे में ही तीर लगा गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
देखो भाई, आज का जमाना फैशन का जमाना है और इस फैशन भरे जमाने में लोगों को हर जगह फैशन चाहिए, चाहे वो कपड़ों में हो, घरों में हो या फिर टॉयलेट में ही क्यों ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जरा आप इस टॉयलेट को देखिए, मकान मालिक अपने टॉयलेट को और भी ज्यादा सुंदर और उसमें निखार लाने के लिए पेंटिंग वाली टाइल्स लाया था, लेकिन शायद कारीगर साहब घर से अपनी बीवी से झगड़ा करके निकले थे, तभी तो सारा गुस्सा यहाँ पर निकाल दिया। बनानी थी परी और बना दिया, आप देख ही रहे हैं। भैया देखो, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको राजा जी बनने का बड़ा शौक होता है, हर जगह अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब एक इसी टाइप के आदमी ने अपने आप को राजा बताने के लिए भैया टॉयलेट तक को नहीं छोड़ा। देखिए, टॉयलेट में भी अपने लिए सिंहासन बना रखा है, इसके ऊपर तो ये लिखना चाहिए, टॉयलेट किंग का सिंहासन। भैया जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आता है तो फिर गली गली से आवाज आने लगती है कि अगर गांव का विकास करवाना है तो हमारे भाई साहब को भारी मतों से विजय बनाना है। खैर दोस्तों, लोग भी इनकी ये मीठी मीठी बातें सुनकर इनको चुनाव में जितवा तो देते हैं, लेकिन फिर सरपंच बनते ही ये कुछ ऐसा विकास करवाते हैं। देखिए कैसी ठुमकेदार सड़क बनाई है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये बनाई कैसे होगी, क्योंकि RCC रोड तो फिर भी बन जाती है, लेकिन भैया ये तो डम्बर का मामला है ना, ये तो मशीनों से ही बनती है। पर ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर सब कुछ संभव है। चलिए दोस्तों, अगर चुनाव की बात चली रही है तो भैया चुनाव से कुछ दिन पहले पुराने सरपंच इतना जल्दी जल्दी विकास करवाते हैं कि भैया कई बार तो ये सब देखने को मिल जाता है। सोचो सरपंच ने कितना जल्दी जल्दी विकास कराया होगा, बेचारे मिस्त्री को बाइक हटाने तक का टाइम नहीं मिला, इसीलिए बाइक समेत सड़क बिछा दी। मोटरसाइकिल वाला भी रातों रात हुए विकास को देखकर हैरान हो गया होगा। हम सभी ने आज तक नर्क के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने कभी नर्क का रास्ता देखा है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए, किसी ने गलती से नर्क का रास्ता खोल दिया, और सबसे बड़ी बात खोला इसी जगह पर जहाँ पर नर्क में जाने वाला भी हंसता खेलता जाएगा। सोचो उसको कितना मजा आएगा। दोस्तों कंस्ट्रक्शन में भी अलग अलग काम होते हैं, कोई घर बनाने में परफेक्ट होता है तो वहीं पर कोई ब्रिज बनाने के मामले में परफेक्ट होता है। चलो परफेक्ट होता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर घर बनाने वाला ब्रिज बनाए और ब्रिज बनाने वाला घर बनाए तो फिर क्या होगा? सोचो सोचो। तो भैया फिर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर पानी की टंकी बनाने वाले मिस्त्री से जब घर बनवाया गया तो उसने ऐसा नमूना बना दिया। इस घर के दर्शन करने के बाद तो भैया मकान मालिक की भी साल दो साल तक हॉस्पिटल में ही सेवा की होगी। भाई जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनके पास काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, बस ऐसे वैसे दिन भर लोगों के मजे लेते रहते हैं। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। दरअसल ये शख्स अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, वहीं पर सड़क के पास में दो लड़के बाइक पर बैठे थे। अब भैया सड़क के बीच में गोबर होने की वजह से ये शख्स इसके बीच में से बाइक निकाल देता है, और जैसे ही बाइक के टायर गोबर के दो हिस्से गढ़ते हैं, इतने में ये दोनों लड़के इसे बर्थडे विश करने लगते हैं। लेकिन असली मजा तो अब आता है, क्योंकि इन दोनों की बर्थडे विश सुनकर ये शख्स इनको एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर बेचारे दोनों ही सदमे में आ जाते हैं। जरा देखिए। भाई साहब देखो, मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा। दोस्तों बिजली के तारों को घर घर पहुंचाने के लिए खंभों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनके सहारे सहारे बिजली के तार घर घर तक पहुंच सके और इन पर टिके रहे। लेकिन जरा आप इस खंभे को देखिए, यह तो खुद बिजली के तारों पर टिका हुआ है। दोस्तों आजकल लोग बाग फेमस होने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं, ताकि वो भी दूसरों की तरह सोशल मीडिया पर छा जाए। खैर इनमें से फेमस तो कुछ ही होते हैं, लेकिन हाँ एक बात तो है, जो लोग अपने वीडियो ऐसे ही हवा में बनाकर डाल देते हैं, जिनका मकसद वायरल होना नहीं होता है, लेकिन अक्सर वो ही वायरल हो जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही इस लड़की का ये वीडियो भी है जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में कुछ यूं है कि ये लड़की अपने किचन का काम करते हुए गाना गा रही थी, तभी घर के किसी सदस्य ने इसका गाना गाते हुए वीडियो बना लिया, जिसमें यह लड़की अभी हाल ही में रिलीज हुए गाने पसूरी को गा रही थी, जो कि सुनने में इतना ज्यादा अच्छा और ओसम लग रहा था कि मैं क्या ही बात करूं। जरा आप खुद ही देख लीजिए, इस गाने को सुनकर आप भी इसकी आवाज के दीवाने जरूर हो जाएंगे। Me wind and rain.
क्या उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही फनी मजेदार वीडियो है जो कि आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जल्दी से वहां जाकर मुझे फॉलो करने के साथ आप ऐसे वीडियोस भेज सकते हैं जिनको मैं अपने वीडियो में दिखाने के साथ ही आपका नाम भी लूंगा। लेकिन दोस्तों हाँ, वीडियो अच्छा होना चाहिए तभी मैं वीडियो में शामिल करूंगा, तो जल्दी से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर आज के इस मजेदार शानदार और धमाकेदार वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं।